So the IPL returns to Kolkata after 3 long years, and we are here outside the Indian Gardens building. Unmatchable, unmatchable! This stadium, that atmosphere can't be matched. And we are here outside the Eden Gardens building up onto the match between Kolkata Knight Riders and RCB. And I have a KKR super fan with me, Ashok. Ashok, पहले ये बताइए, 3 साल बाद कोलकाता नाइट राइडर्स वापस आ रही है अपने घर पे, तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो इस ओकेशन को? मैं यहाँ तो बहुत खुश हूँ जो 3 साल बाद IPL मेरा घर में हो रहा है, और मेरा टीम इस बार, मेरा मन में एक दुख था जो मेरा कैप्टन सिया सर इंजरी में चला गया, तो कोई बात नहीं है, तो मेरा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, पहला मैच मेरा बिस्टी कारण से मैं हार गया, तो क्या है, मैं उधर मोहाली में था, तो मेरा घर में दूसरा मैच मेरा शुरू हो रहा है आरसीबी की तरफ से, तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने देखा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना पहले मैच में हारा, अर्जेंटीना में चैंपियन हो गया, तो मैं यहाँ से मेरा KKR मेरा टीम मेरा यहाँ से दौड़ शुरू हुआ है, पहला मैच हारने के बाद काल से मैं जब जीतना शुरू हुआ वो चैंपियन आगे नहीं खाएंगे। पर पीछे देखिए, ये है कोलकाता का एटमॉस्फेयर, 3 साल बाद आज IPL वापस आ रहा है कोलकाता में, और यही जो फैंस है वो बनाते हैं इस क्रिकेट को इस कंट्री में। तो आप देख पा रहे हो कि जो RCB के फ्लैग यहाँ पे RCB के फैंस ओवर क्राउड कर रहे हैं, तो हम लोग पूछते हैं किंग कोहली को वो लोग अनमैचेबल, अनमैचेबल दिस स्टेडियम, दैट एटमॉस्फेयर कांट बी मैच। यू कैन टॉक अबाउट चेपॉक, यू कैन टॉक अबाउट चिन्नास्वामी, बट ईडन गार्डन्स इज वन ऑफ द होम्स ऑफ क्रिकेट एंड IPL इज बैक, सो स्टे ट्यून्ड टू रेड स्पोर्ट्स फॉर मोर। So the IPL returns to Kolkata after 3 long years, and we are here outside the Eden Gardens building. Unmatchable, unmatchable! This stadium, that atmosphere can't be matched.